जो लोग चंद मिनट पहले ना एलविशा का मजाक उड़ा रहे थे सोशल मीडिया पर, एक बवाल सा आ गया था। हर तरफ ये न्यूज़ बन रही थी, बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही थी, अचानक से एलविश ने मनीषा को अनफॉलो कर दिया है। देखो उन लोग को अब मुँह तोड़ जवाब मिल गया है। बहुत सारे कमेंट मुझे आ रहे थे कि सर आप तो फेक बोलते हो, आप जो बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे, ये वो एक्सेट्रा। मैंने आपको वीडियो में पहले भी कहा था कि देखो एलविश कभी भी मनीषा को अनफॉलो नहीं कर सकता है। एलविश मजाक करता है, वो हर बार मज़े लेता है, और एक बार फिर एलविश ने उन लोग के मजे ले लिए हैं जो लोग बहुत खुश हो रहे थे। एक बात मैं आपको बताता हूं, अब से 10 मिनट पहले आप जाकर देखना ट्विटर पर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लो, एलविशा वालों पर हंस रहे थे लोग और ये कह रहे थे कि एलविश ने बहुत बड़ा वाला काट दिया है, मनीषा को अनफॉलो कर दिया है। इवन अभिया हो, अभिषा हो, आर्मी हो, स्क्वाड हो, हर कोई मजाक उड़ा रहा था ना, तो ये रहा वो प्रूफ। ये एलविश यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट है, जाकर देखो, एलविश ने फिर फॉलो कर दिया है। इवन मनीषा भी एलविश को फॉलो कर रही है। तो जो लोग भी मजाक बना रहे थे ना एलविशा का, उनको मुँह तोड़ जवाब मिल गया है। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि एलविश कभी भी मनीषा को अनफॉलो नहीं कर सकता है, ये एलविश की एक स्ट्रेटजी थी। जो लोग मनीषा को हेट दे रहे थे ना, उसके लिए एलविश ने ये सारा चीज़ किया था। अब जो लोग भी हंस रहे थे ना एलविशा पर, उनकी बोलती बंद हो गई है। 5 मिनट हुए हैं अनफॉलो किए और फॉलो करने के बाद ना, अब लोग वो लोग चुप हो गए हैं जो लोग एलविशा का मजाक उड़ा रहे थे, जो लोग ये कह रहे थे कि एलविश ने बहुत बड़ा वाला काट दिया। बताना कमेंट बॉक्स में एलविश के सरकाजम पर आपका क्या है ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।